में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सितंबर के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नोएडा पुलिस ने एक्सप्रेसवे और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ये आगामी दिनों में जनपद गौतमबुद्ध नगर में वीवीआईपी विजिट होनी है और उसी के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में आज सुबह से ही एक प्रभावशाली चेकिंग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण चौराहों पर, एक्सप्रेसवे पर, एक्सप्रेस को कनेक्ट करने वाले डिफरेंट जो हमारे लिंक रोड्स हैं वहाँ पर कराई जा रही है। और इस दौरान डिफरेंट जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, ACP साहबान हैं, सभी अधिकारी, हम सब लोग जितनी भी संदिग्ध गाड़ियाँ हैं, काले फिल्म की गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर संदिग्ध वाहन है किसी भी तरह की, उनकी तलाशी ली जा रही, चेकिंग कराई जा रही है। चमोली जिले के नए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार गोपेश्वर में पत्रकारों से कहा कि उनकी प्राथमिकता जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वांछित व्यक्ति तक पहुंचाना है। वो विभागों के बीच सामंजस्य बनाकर जिले के विकास और जन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर ध्यान देंगे। कानपुर के हनुमान विहार थाना क्षेत्र में दहेज की वजह से ससुराल वालों ने अपनी बहू की जान ले ली। शव को कई दिनों तक छुपाने के बाद परिवार को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट की और 7 सितम्बर को बहू की मौत हो गयी। मामला ये हुआ है साहब की 7 तारीख को, मतलब एक फोन पहुँचा मेरे पास, तो उसने मतलब बोला कि भैया ऐसी ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है जैसे भी, और वो पैसे को ही लेकर के हमेशा, आज से नहीं तो कभी, बहन के यहाँ 2-2, 3-3 महीने रह रही है, कहीं मायके में रह रही है, यहाँ तक कि साबुन तेल निरमा से लेकर के सब मायके से ही आता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई चीजें बढ़ावा ना हो, झगड़ा फसाद ना हो, लेकिन उन लोगों का बस यही था कि बस वही प्रताड़ना देना, वही प्रताड़ित करना। वो उनकी सासू माँ जो थी बहन की, और वो ननंद जी थी, और वो हस्बैंड तो वो दारू पी करके एक मारना कूटना गाली देना कि तुमने बात हुई थी चार पहिया की, तुम चार पहिया नहीं दे रहे हो, चार पहिया कब देंगे, बात कह रहे थे 10 लाख की बात जो हुई थी। महोबा के चरखारी में लेखपाल भर्ती परीक्षा के चयनित नव नियुक्त लेखपालों का 1 वर्षीय प्रशिक्षण मंडलायुक्त चित्रकूट धाम बांदा बालकृष्ण त्रिपाठी में शुरू किया गया। इसमें 6 महीने का क्लासरूम और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने जुआ खेलते हुए 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबरी पर SHO करुणाकर पांडे के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 25,300 रुपए की नकदी, ताश के पत्ते और 5 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आगरा में चिंतन शिविर में पहुंचे रामदास अठावले ने 2027 के यूपी चुनाव में उतरने की इच्छा जताई है और CM योगी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छोटे दल यूपी सरकार के साथ हैं तो उनकी पार्टी क्यों नहीं हो सकती। अठावले ने विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर टिप्पणी की कि हरियाणा में ED का किला ढहेगा। बहराइच के चौखड़िया गांव के सैकड़ों लोगों ने DM कार्यालय पहुंचकर बंदरों के हमले की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बंदरों ने घायल कर दिया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने DM मोनिका रानी से बंदरों को पकड़ने की मांग की है। बहुत परेशानी से आए हैं बंदर लोग, बहुत आतंक फैलाए हैं और बच्चे लोग को बहुत काटे हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सबको काटते हैं और काफी दिक्कत है और उनके वजह से जीना संभव मुहाल हो गया है। बहराइच के चौधरी चरण सिंह बैराज से बह रही घाघरा नदी के उफान और कटान से परेशान ग्रामीणों ने खुद राहत के उपाय किए हैं। उन्होंने नदी के तट पर पूजा अर्चना कर भगवान से गांव को बाढ़ से बचाने की प्रार्थना की। पिछले 4 सालों से जारी कटान से प्रभावित गांव में बांध और ठो का निर्माण की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजनौर की नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव रोशनपुर जागीर में टीकम सिंह नामक किसान को खेत में फसल पर स्प्रे करते समय सांप ने काट लिया। घायल को तुरंत नूरपुर CHC लाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बिजनौर रेफर कर दिया। चमोली जिले के अटल उत्कृष्ट GIC कोटली में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक की अनदेखी से नाराज ग्रामीण अब 10 सितंबर से आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, प्रदेश सरकार को कोई हक नहीं है उनके नाम की तोहिन की जाए। यदि उनके नाम को आपको प्रचलित करना है तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि वैसी परीक्षा दे कि हमको परमानेंट टीचर यहाँ पे चाहिए। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के बेटे मानवेंद्र राजपूत और उनके प्रतिनिधि सुरजीत यादव और अनिल यादव के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। उन पर युवक के साथ मारपीट, धमकाने और गुंडा टैक्स वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र के पाठक पुलिया का है। बिजनौर में हाईकोर्ट में DC मिड डे मील राशि चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एंटी करप्शन टीम ने उन्हें 50,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राशि चौहान BJP के नूरपुर ब्लॉक प्रमुख का पति है और बिजनौर BSA कार्यालय में तैनात था।
झांसी में कुरेश कॉन्फ्रेंस सामाजिक न्याय संगठन ने राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद कलाम कुरेशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा है। इसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शराब और अन्य नशा उत्पादकों पर रोक लगाने की अपील की गई। संगठन का कहना है कि शराब इस्लाम में हराम है और इसका नशा सामाजिक और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सरकारी आंकड़े भी इन उत्पादों से होने वाले बीमारियों के लिए भारी खर्च की पुष्टि करते हैं। संगठन ने पूरी तरह से नशा उत्पादों पर रोक लगाने की मांग की है। किस मांग में ये दिया है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो योम पैदाश के दिन आ रहा है, झांसी में शराबबंदी की जाए और पूरे भारत देश में शराबबंदी की जाए। शराब से ज़्यादा ही नुकसान है देश में, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाएँ हो रही हैं। तो इसी नियत से हम उन्होंने ज्ञापन दिया है कि शराबबंदी की जाए और अमन चैन कायम रहे देश में।